तो बच्चों, आज हम देखेंगे पिंड का दोलन जो स्प्रिंग से बंधा हुआ है वो क्षैतिज तल में कैसे दोलन करता है। कल हमने ऊर्ध्वाधर तल में स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का दोलन देखा था, और जब दोलन होता है तो उसका आवर्त काल भी होता है, उसका दोलन काल भी होता है, उसका सूत्र भी हमने निकाला था, ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि क्षैतिज तल में यदि किसी स्प्रिंग से कोई पिंड बंधा हुआ है तो उसका दोलन किस तरह से होता है ना भाई। तो चलिए देखेंगे। तो इसके लिए हम क्षैतिज तल में एक स्प्रिंग ले लेते हैं और उसके लिए एक चित्र बनाएंगे हम। मान लिया जाए ये दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार से एक स्प्रिंग बंधा हुआ है अपने पास। इस तरह से आप स्प्रिंग को बना सकते हैं या बनाएंगे। और यहां पर उसके दूसरे सिरे पर M द्रव्यमान का पिंड हम बांध देते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज तल में हमने स्प्रिंग लिया हुआ है। इस स्प्रिंग को हमने उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांधा है और दूसरे सिरे पर हमने M द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। दूसरे सिरे की दूसरे स्थिति की बात करूं, ये साम्य स्थिति हो गई। साम्य स्थिति में यहां पर विस्थापन नहीं होगा और प्रत्यानयन बल भी काम नहीं करेगा। दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि जब उसको बाईं ओर थोड़ा सा दबाते हैं तो उसमें उस समय प्रत्यानयन बल आता है, ठीक है ना भाई। तो यहां पर आपका अब M द्रव्यमान का पिंड आ जाएगा, ठीक है ना। M द्रव्यमान का पिंड यहां तक यहां पर आ जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं और प्रत्यानयन बल इधर काम करेगा, F इक्वल टू माइनस के डॉट एल, ये इस दिशा में काम करेगा। माध्य स्थिति से कितना विस्थापन हुआ है वो हम देख लेते हैं। माध्य स्थिति से आपका विस्थापन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं L। माध्य स्थिति से विस्थापन कितना हो रहा है, L दूरी उसका विस्थापन हो रहा है। तो ये हमने अभी अभी देखा। इसके बाद तीसरी स्थिति हम देख लेते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं, है ना भाई। तो उस समय उसका विस्थापन किस तरह से हो जाता है ये आप देख रहे हैं। ये अब यहाँ L दूरी शिफ्ट हो गया है, सॉरी ये L दूरी हमने ले लिया है। इस समय भी प्रत्यानयन बल बाहर की ओर लगेगा। तो ये तीन स्थितियां होती हैं और इसको चित्र कहेंगे, स्प्रिंग से बंधे पिंड का दोलन, क्षैतिज तल में स्प्रिंग से बंधे पिंड का दोलन। ठीक है ना, ये हमारा चित्र हो गया। यहां पर आप स्प्रिंग देख रहे हैं, इस स्प्रिंग को हमने घर्षण रहित मेज पर रखा है, मतलब ऐसे मेज पर रखा है जिसमें घर्षण बिल्कुल नहीं है, और घर्षण रहित मेज पर रखा हुआ है और उसके एक सिरे को हमने दृढ़ आधार से बांधा है और दूसरे सिरे पर हमने M द्रव्यमान के एक पिंड को बांधा हुआ है। मान लेते हैं इस स्प्रिंग की प्रारंभिक जो लंबाई है वो कैपिटल L है। प्रारंभिक लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल L मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम इसके थ्योरी को लिख सकते हैं। मान लो एक घर्षण रहित मेज पर कोई स्प्रिंग रखी हुई है
ठीक है ना। घर्षण रहित मेज पर कोई स्प्रिंग रखी हुई है, जिसका एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा है। आप चित्र में देख सकते हैं बाईं तरफ उसका जो एक सिरा है वो दृढ़ आधार से बंधा है, दृढ़ आधार से बंधा है। मान लेते हैं स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, चित्र में मैंने दिखाया है। माना कि स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई, स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई को हम मान लेते हैं कैपिटल एल है, ठीक है। अब स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर हम एम द्रव्यमान का पिंड बांध देते हैं। अब स्प्रिंग के दूसरे सिरे स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का पिंड बांध देते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर हम एम द्रव्यमान का पिंड हमने बांध दिया है। इस स्थिति को हम साम्य स्थिति कहेंगे। साम्य स्थिति इसलिए कहेंगे, एम द्रव्यमान का हम पिंड क्षैतिज तल में रखे हुए हैं, तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि पिंड में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है और पिंड में कोई प्रत्यानयन बल भी काम नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति को हम साम्य स्थिति कहेंगे। साम्य स्थिति में पिंड का विस्थापन शून्य, साम्य स्थिति में पिंड का विस्थापन शून्य तथा कोई भी प्रत्यानयन बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि पिंड साम्य स्थिति में है तो उस समय न तो पिंड में कोई विस्थापन हो रहा है, न ही स्प्रिंग के कारण पिंड पर कोई प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है, तो दोलन का तो सवाल ही नहीं उठता। अब दूसरी स्थिति हम देख लेते हैं कि जब पिंड को, पिंड इस स्थिति में था, जब पिंड को हम बाईं तरफ मतलब इस तरफ हम थोड़ा सा दबाते हैं तो पिंड थोड़ी सी विस्थापित हो गई। देखिए पहली स्थिति थी यहाँ पे, अब पिंड यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर L दूरी वो विस्थापित हो गई। तो L दूरी जब विस्थापित हो जाती है बाईं तरफ तो हम देखते हैं कि इस पर प्रत्यानयन बल काम करता है। लेकिन बात आती है पिंड का भार जो होगा उसका क्या होगा, क्योंकि हमने स्प्रिंग को क्षैतिज तल पर रखा हुआ है तो पिंड का भार उस क्षैतिज तल से उसके प्रतिक्रिया के कारण संतुलित हो जाएगा और इस वक्त पिंड पर स्प्रिंग के कारण केवल प्रत्यानयन बल लगेगा। हमने बाईं ओर विस्थापित किया है तो वो दोलन करने लगेगा, इस स्थिति में दोलन होगा उसको हम देखेंगे। यदि पिंड को बाईं ओर दबाकर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं,
बाईं ओर थोड़ा सा दबाकर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापित किया जाए तो पिंड पर स्प्रिंग के कारण प्रत्यानयन बल लगता है। ठीक है, स्प्रिंग के कारण प्रत्यानयन बल लगता है। ठीक है, और जो पिंड का भार है, पिंड का जो भार है वो पिंड के क्षैतिज तल से प्रतिक्रिया बल के कारण संतुलित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में पिंड पर केवल प्रत्यानयन बल लग रहा है, और आप जानते हैं कि जब प्रत्यानयन बल लगता है तो पिंड में दोलन हो जाता है, वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लगता है। तो पिंड प्रत्यानयन बल के कारण माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लगता है। तो आप लोगों ने देखा जो पहली स्थिति जो कि पिंड की साम्य स्थिति थी, हमने स्प्रिंग जो एल लंबाई का है उसको घर्षण रहित मेज पर रखा हुआ है और दूसरे सिरे को एम द्रव्यमान के पिंड से बांध दिया है। तो ये जो वस्तु की जो साम्य स्थिति हुई, साम्य स्थिति में पिंड में किसी भी तरह का विस्थापन नहीं होता और कोई भी प्रत्यानयन बल उस पर काम नहीं करता है। यदि पिंड को बाईं ओर से दबाकर थोड़ा सा विस्थापित किया जाए तो वो दबती है तो उसमें क्या होता है, प्रत्यानयन बल आता है। लेकिन आप देखेंगे कि पिंड का भार भी तो है, तो पिंड का भार उसके क्षैतिज तल के प्रतिक्रिया बल से संतुलित हो जाता है। तो इस स्थिति में पिंड पर केवल प्रत्यानयन बल काम कर रहा है और इससे पिंड माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है, और दोलन करेगा तो उसमें आवर्तकाल भी आएगा और हुक का नियम भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोलन करेगा तो इस स्थिति में अब पिंड पर स्प्रिंग के कारण लगने वाला कौन सा बल, प्रत्यानयन बल, बल को फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में, और फोर्स को हम एफ से दर्शाते हैं। तो F इक्वल टू हो जाएगा किसके नियम अनुसार, हुक के नियम अनुसार, जहां पर K क्या है, K है अपना स्प्रिंग नियतांक, जो कल हमने देखा था, K है अपना स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक और L क्या है, विस्थापन है जो बाईं ओर हुई है, L दूरी विस्थापित हुई है अपना पिंड जो है। अब यहां पर पिंड पर
जो स्प्रिंग है उसके कारण से जो प्रत्यानयन बल लगा, हुक के नियमानुसार हमने ये निकाल लिया है। अब पिंड पर त्वरण भी तो काम करेगा, और त्वरण काम करेगा तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, हम सभी जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम कह सकते हैं पिंड पर लगने वाला त्वरण या पिंड पर उत्पन्न त्वरण ठीक है, तो त्वरण हो जाता है सॉरी पिंड पर उत्पन्न त्वरण अल्फा हो तो हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बोल सकते हैं कि जो एफ होगा जो बल होगा वो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो एम इंटू अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर एम पिंड का द्रव्यमान है, इसको थोड़ी देर के लिए हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। इसके आगे देखिएगा, समीकरण पहला और दूसरा से क्या बोल सकते हैं, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा से, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा से हम देख सकते हैं एम अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस के इंटू एल, एम अल्फा बराबर माइनस के इंटू एल। तो इस समीकरण से जिसको मैं तीसरा समीकरण मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि जो पिंड में उत्पन्न त्वरण है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, विस्थापन L के। आप देख रहे हैं कि जो पिंड में उत्पन्न त्वरण है और जो पिंड में विस्थापन हुआ है उसके अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि क्षैतिज तल में जो स्प्रिंग से बंधा हुआ पिंड है उसका जो दोलन है वो एक सरल आवर्त गति में हो रहा है या आवर्ती गति में हो रहा है, क्योंकि त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती केवल सरल आवर्त गति में होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो दोलन हो रहा है वो आवर्ती गति में दोलन हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ की यहाँ पर ऋण चिन्ह आया हुआ है, तो विस्थापन जिस दिशा में होता है, विस्थापन बाईं तरफ हुई तो जो त्वरण है वो उसके विपरीत होता है ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सिद्ध किया। इसके आगे हम देखेंगे कि उसका आवर्त काल या दोलन काल हम निकालेंगे। तो आवर्त काल जो पिंड आवर्त काल का व्यंजक निकालेंगे t बराबर 2π क्या हो जाता है, विस्थापन बटे त्वरण। ये आप लोगों को मालूम है, ये सूत्र होता है उसका। तो जो पिंड दोलन कर रही है उसका दोलन काल या आवर्त काल का सूत्र ये हो जाएगा ठीक है ना। विस्थापन अपान त्वरण, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं विस्थापन अपान त्वरण क्या होगा। तो यहां से सूत्र समीकरण तीन से देख लीजिए, समीकरण तीन से देख लीजिए कि L विस्थापन है, बटे कर लो आप त्वरण अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस एम अपान के, माइनस एम अपान के हो जाएगा। यदि हम माइनस को छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ऋण चिन्ह को छोड़ देते हैं, तो ये हमारा विस्थापन अपान त्वरण हो गया। कहने का मतलब विस्थापन बटे त्वरण बराबर आ गया एम अपान के, एम अपान के। तो इसको
इसलिए आवर्तकाल टी हो जाएगा, आवर्तकाल टी हो जाएगा अपने पास 2 पाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरण का माना गया है एम अपान के, ठीक है ना। तो यदि पिंड का द्रव्यमान मालूम हो, स्प्रिंग नियतांक मालूम हो, तो आप क्षैतिज तल में जो स्प्रिंग से बंधा हुआ पिंड का दोलन काल या आवर्त काल का सूत्र निकाल सकते हैं। इसको हम चौथा समीकरण मान लेते हैं और इसके आधार पर हम पिंड के दोलन का दोलन काल या आवर्त काल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कोई स्प्रिंग हम लेते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर तल में जब हम उसको एक सिरे को दृढ़धार से हमने लटकाया है, दूसरे सिरे में एम द्रव्यमान का पिंड हम उसमें लटकाते हैं, तो हमने दोनों ही तल में उसका अध्ययन किया कि किस तरह से ऊर्ध्वाधर तल में उसका आवर्तकाल निकलता है और किस तरह से क्षैतिज तल में उसका आवर्तकाल निकलता है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि उसका आंकिक प्रश्न, इससे जो आधारित जो आंकिक प्रश्न है उसको देख लेते हैं। चलिए आइएगा, अब आइएगा एक आंकिक प्रश्न हम कर लेते हैं। आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लेंगे अभी। सरल आवर्त एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आयाम 0.01 मीटर तथा आयाम दे दिया है तथा आवृत्ति को मान दे दिया है 60 हर्ट्ज, माने नहीं है, प्रश्न में दिया हुआ है। ये सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आयाम है 0.01 मीटर और आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, तो कण का अधिकतम वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। अधिकतम वेग तथा अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हमने अभी तक जो सूत्र पढ़ा हुआ है उन्हीं में से कोई एक सूत्र लगाकर हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिएगा ये कैसे बनेगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम दे दिया है 0.01 मीटर और आवृत्ति दे दिया है 60 हर्ट्ज, तो हमको अधिकतम वेग निकालना है। पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि आयाम, और आयाम को हम ए से दर्शाते हैं, आयाम को हम ए से दर्शाते हैं। इसका मान दे दिया है 0.01 मीटर, ठीक है। और आवृत्ति न्यू का मान दे दिया है 60 हर्ट्ज, ठीक है। आयाम का मान दे दिया है 0.01 मीटर, आवृत्ति का मान दे दिया है 60 हर्ट्ज, तो हमको निकालना है अधिकतम वेग। तो अधिकतम वेग का सूत्र क्या होता है? अधिकतम वेग का सूत्र होता है वी मैक्स बराबर ए ओमेगा। हमने पढ़ा है ये सूत्र। अधिकतम वेग का सूत्र आता है तब जब विस्थापन शून्य होता है, ए ओमेगा उसका सूत्र होता है, वी मैक्स अधिकतम वेग। तो यहां मार रख दीजिए, ओमेगा दिया नहीं है तो ओमेगा के बराबर 2 पाई नहीं होता है, आप जानते हैं, क्योंकि आवृत्ति दे दिया है। ओमेगा के बराबर
टू पाई न्यू होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो वो निकल आएगा, चलिए थोड़ी देर बाद इसको हम देखेंगे, टू पाई ए न्यू। तो इसमें मान रख के आप अधिकतम वेग निकाल सकते हैं, थोड़ी देर बाद इसको निकालेंगे। ठीक है, तो हम अधिकतम वेग निकाल रहे थे। अधिकतम वेग का सूत्र होता है ए ओमेगा, यहां पर ओमेगा का मान होता है टू पाई न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति क्योंकि वो दिया हुआ है, तो ये हो गया टू पाई ए न्यू। तो टू पाई गुणा ए का मान आप देख रहे हैं 0.01 गुणित न्यू, न्यू का मान आवृत्ति, आवृत्ति का मान कितना दिया हुआ है 60। अब इसको आप हल करेंगे तो ये कितना आता है देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 60 का गुणा 2 से करेंगे 120, इधर रफ कर ले रहा हूं, 120 गुणा 0.01, ठीक है ना, गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 120 आ गया, और ये 0.0 ही आएगा, फिर 0.0 आएगा, तो कितना हो जा रहा है 0.2100। अब आप देखिए कि कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, तो 1 2 इधर से, तो 1.20 हम कह सकते हैं, है ना, 1.20 या 1.2 ही हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.20 पाई, पाई का मान यहाँ हम नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, 1.20 पाई, चूंकि वेग है और वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये अधिकतम वेग का मान निकल गया। अब हमको अधिकतम त्वरण का मान निकालना है, देखिएगा कैसे निकलेगा। अधिकतम त्वरण का मान, तो अधिकतम त्वरण, इसका सूत्र होता है अल्फा बराबर ए ओमेगा स्क्वायर, ए का मान दे दिया है, सॉरी यहां पे ओमेगा को बदलना पड़ेगा, तो ए ये 2 पाई न्यू होता है, इसका वर्ग हो जाएगा, तो 2 पाई मतलब ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, न्यू स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए, तो ये अल्फा हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए, तो यहां पर हो जाएगा अपने पास 4 पाई स्क्वायर न्यू, न्यू का मान कितना है 60, तो 60 का घात 2 हो जाएगा, गुणा ए का मान कितना है आयाम का 0.01। अब सबको हम गुणा करते हैं और कितना आता है उसको देखते हैं, 60 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, रफ कर लीजिए, ये आ जाएगा 3600। ठीक है, फिर उसको दशमलव, उसको 4 से गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 6 का 24 2, और कैरी हो गया 4 3 12 2 14, ठीक है ना, 14400। अब इसको 0.01 से गुणा कर लेते हैं, या 0.01 से गुणा कर लेते हैं तो क्या आता है, है ना, तो 1 4 4, ये 4 1 गुणा 4 4 1 0 0, यहां पर 2 0 और है उसको सामने लगा लेते हैं, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहां पर आएगा, तो ये 144.00 आ रहा है, मतलब 144 आ जाएगा ये, दशमलव के बाद 0.0 रहे तो उसको कोई औचित्य नहीं है, तो ये आ गया 144 पाई का वर्ग
पाई का मान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। और त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर रहा, हमने अधिकतम वेग का निकाल लिया 1.20 पाई मीटर प्रति सेकेंड। इकाई को ध्यान रखना जरूरी है। और त्वरण का मान आ गया 144 पाई स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे मुक्त दोलन के बारे में। अब देख लेते हैं हमारा जो अगला जो बिंदु हो जाएगा वो है मुक्त दोलन या फ्री ऑसिलेशन, और दूसरा हो जाएगा आपका अवमंदित दोलन। या डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जो हमारा अगला टॉपिक है मुक्त दोलन, मुक्त दोलन, इसको हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशंस। अब जो दोलन मुक्त दोलन किस तरह से होगा, हमने अभी तक जो पढ़ा उसी से ही आप समझ सकते हैं कि जब किसी पिंड को उसके माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, जैसे अभी अभी हमने क्षैतिज तल में भी देखा, इससे पहले हमने ऊर्ध्वाधर तल में देखा था कि जब किसी पिंड को उसके माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो जो पिंड होता है ना वो माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लगता है या आवर्ती गति करने लगता है। और इस स्थिति में यदि बाह्य बल जो है पिंड की गति को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है ना, जो बाह्य बल है वो पिंड की गति को प्रभावित ना करे, तब क्या होगा, तब प्रत्येक वस्तु का आयाम और आवृत्ति निश्चित होगा और उस निश्चित आवृत्ति को कहेंगे स्वाभाविक आवृत्ति, और इस समय जो दोलन हो रहा है, जो ऑसिलेशन हो रहा है, उसको कहेंगे मुक्त दोलन। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को, वस्तु पिंड भी बोल सकते हैं, वस्तु को माध्य स्थिति से विस्थापित, जब किसी वस्तु को माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वस्तु जो होता है माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्ती गति करने लगता है। माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्ती गति करने लगता है। ठीक है ना, तो जब किसी वस्तु को हम माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है किसी वस्तु को, तो वस्तु माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्ती गति करने लगता है। यदि इस समय बाह्य बल जो हो, यदि बाह्य बल वस्तु की गति को प्रभावित ना करे
वस्तु की गति को प्रभावित न करे तो प्रत्येक वस्तु का आवृत्ति एवं आयाम प्रत्येक वस्तु निश्चित आवृत्ति कह लो यहां पे निश्चित आवृत्ति एवं आयाम से कंपन करती है ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु निश्चित आवृत्ति एवं आयाम से कंपन करती है। इस निश्चित आवृत्ति को या इस आवृत्ति को स्वाभाविक आवृत्ति तथा इस तरह के दोलन को मुक्त दोलन या फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। इस तरह के दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं। ठीक है। इस आवृत्ति को हम स्वाभाविक आवृत्ति कहते हैं और इस तरह के दोलन को हम मुक्त दोलन कहते हैं। तो मुक्त दोलन में जो ग्राफ तैयार होगा हमारा वो किस तरह से होगा, आइए देखिए उसका ग्राफीय निरूपण हम कैसे कर सकते हैं। ये जैसे इस तरह से इधर एक्स अक्ष है तो इधर एक अक्ष ले लिया हमने, ये मूल बिंदु ले लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं आयाम निश्चित है, ठीक है। तो समय को हमने एक अक्ष में दिखा देते हैं, ठीक है ना। और जो विस्थापन y है इसको प्लस ए मान लेते हैं, इसको माइनस ए मान लेते हैं। विस्थापन को हम वाई विस्थापन हुआ है तो इसको वाई अक्ष में दिखा देते हैं। और ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारा जो आदर्श मुक्त दोलन होगा ना उस समय का, ये ग्राफीय निरूपण हुआ। आदर्श मुक्त दोलन का ग्राफीय निरूपण, यहां पर आप देख रहे हैं कि आयाम बिल्कुल निश्चित हो गया है और अधिकतम आयाम है प्लस ए, प्लस साइड है न्यूनतम, मतलब जो आयाम होगा नीचे साइड जो अधिकतम होगा माइनस ए होगा। तो इस तरह के जो दोलन होते हैं जिसमें यदि बाह्य बल वस्तु की गति को प्रभावित न करे तो प्रत्येक वस्तु निश्चित आवृत्ति और आयाम से कंपन करती है और उस आवृत्ति को हम कहते हैं स्वाभाविक आवृत्ति, और ये जो दोलन हो रहा है उसको कहते हैं मुक्त दोलन या फ्री ऑसिलेशन। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अवमंदित दोलन, ठीक है, या डैम्प्ड ऑसिलेशन।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है अवमंदित दोलन। इसको कहेंगे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन। अवमंदित दोलन हम किसको कहेंगे? अवमंदन बल हमने पहले पढ़ा है जो पिंड जब गति कर रही हो और उस पर जब गति विरोधी बल लगता है, मतलब उसके गति के मार्ग में अवरोध डालता है, विरुद्ध काम करता है, तो उस बल को हम कहते हैं अवमंदन बल। तो अवमंदित बल यदि उपस्थित होगा तो जब वस्तु या पिंड दोलन कर रहा होगा तो उसका आयाम घटेगा, तो आयाम घटेगा तो जो दोलन उस समय होगा उसको कहेंगे हम अवमंदित दोलन। चलिए देखते हैं। जब किसी वस्तु में गति विरोधी बल जिसको हम अवमंदन बल भी कहते हैं, अवमंदन बल, जब किसी वस्तु में गति विरोधी बल अवमंदन बल उपस्थित होता है तो वस्तु का आयाम क्रमशः घटते जाता है, वस्तु का आयाम क्रमशः घटते जाता है। तो जब किसी वस्तु में गति विरोधी बल या अवमंदन बल उपस्थित होता है तो गति विरोधी बल या अवमंदन बल की उपस्थिति के कारण वस्तु का आयाम क्रमशः क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो इस समय वस्तु के दोलन को या पिंड के दोलन को अवमंदित दोलन कहते हैं, ठीक है, या डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। चूंकि अवमंदन बल उपस्थित है, गति विरोधी बल है, तो वस्तु का आयाम होगा, वस्तु दोलन तो करेगा उस समय, तो वस्तु का आयाम क्रमशः घटते जाता है, तो इस समय वस्तु के दोलन को क्या कहेंगे, अवमंदित दोलन कहेंगे। और इस समय जो उसका ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा देख लेते हैं। वस्तु जब घटते हुए आयाम से दोलन करती है और वो भी किसके कारण, अवमंदन बलों की उपस्थिति के कारण, तो इस तरह के दोलन को डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब उसका ग्राफ कैसे बनेगा आइए देखते हैं। पहले आयाम अधिक होगा, पहले चक्र में, उसके बाद आयाम घटेगा, फिर से घटेगा और घटते ही चले जाता है, ठीक है ना, इस तरह से आप देख रहे हैं, कि ये घट रहा है, वैसा ही इसमें भी होता है, ये घट रहा है, आयाम अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा बल्कि क्रमशः घट रहा है। ये मूल बिंदु है, अधिकतम आयाम की सीमा है, न्यूनतम आयाम की सीमा है, विस्थापन इधर हो रहा है और समय टी को हम इधर दिखा दें, तो इस समय ये जो ग्राफ बना ये अवमंदित दोलन का ग्राफ ही निरूपण हो गया। ये अवमंदित दोलन का ग्राफ ही निरूपण
ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से मुक्त दोलन होता है, फ्री ऑसिलेशन होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, अवमंदित दोलन होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है, और उससे पहले भी हमने देखा था कि क्षैतिज तल में स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का दोलन किस तरह से होता है। अगली कक्षा में हम सरल लोलक के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे और उसके दोलन काल का व्यंजक ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।